Do subscribe and press the bell icon. So when we will upload video, you will get notified. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एक्सपीरियंस पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बारे में और जो कुछ भर्तियां हैं, जैसा कि आपने एग्जाम भी दिया होगा, युवा कल्याण विकास अधिकारी, ठीक है, जैसा कि सम्मिलित व्यायाम प्रशिक्षक जिसमें थे हम, क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी की भर्ती थी और जो कि 2018 की भर्ती थी और जिसमें न्यूनतम शारीरिक स्वास्थ्यता मापदंड आयोजित किया गया था, जैसा कि मैंने आपको वीडियो भी दिया था, और स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में करवाया गया था। यहाँ पे 21 अक्टूबर 2019 से 25 अक्टूबर तक ये शारीरिक स्वास्थ्यता मापदंड करवाया गया था। अब यहाँ पे वर्तमान स्थित और जो प्रस्तावित है वो क्या प्रस्तावित है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। माह फरवरी 2020 में न्यूनतम शारीरिक स्वस्थता मापदंड परीक्षा तथा शारीरिक पात्रता परीक्षा के लिए अर्हत अभ्यर्थियों की प्रथम पूरक सूची, ये महत्वपूर्ण है, प्रकाशन संभावित है, ठीक है, यानी फरवरी माह में ये संभावित है कि आपको प्रथम पूरक सूची मिल जाएगी। प्रथम पूरक सूची का मतलब क्या होता है कि प्रथम आई है तो इसका मतलब आपको द्वितीय भी देखने को मिल सकती है, यानी कि सेकंड लिस्ट भी आएगी। कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि इसकी सेकंड लिस्ट आएगी, तो अवश्य आएगी, क्योंकि प्रथम सूची का ही मतलब है, इन्होंने मेंशन किया है साफ साफ कि प्रथम सूची आएगी। तो कुछ अभ्यर्थी अभी शेष हैं, यानी कुछ भर्तियां शेष रहेंगी जिनके लिए आपको दूसरी सूची देखने को मिलेगी। तो बेसिक यही अपडेट है युवा कल्याण और प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के बारे में, जो कि 2018 की भर्ती थी। और भी जानकारी के लिए आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर